Hello everyone, this is Pooja and today I am going to start the chapter 5th and the chapter name is Exponents. So this is an introduction video. सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंट्स होता क्या है, जैसे आपने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, लेट्स सपोज आपको दिया है 5 to the power, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको किस तरीके से हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 raised to the power 8. क्या कहते हैं, 5 raised to the power 8. इसमें ये क्या होता है, हमारा बेस, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, क्लियर, ये होता है हमारा बेस और जिसके ऊपर पावर होती है वो होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और इस पूरे को मिला के हम या तो हम इसको कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कह सकते हैं पावर नोटेशन। ये हो गया बेस, ये हो गया एक्सपोनेंट, ये हो गया आपका अलग अलग पर्टिकुलर, इसका नाम है, ये इसका नेम है, ये इसका नेम है, और इसका कंबाइंड हम इस पूरे को क्या कहते हैं, या तो इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या कहेंगे, पावर नोटेशन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, या आपको क्वेश्चन में आ सकता है राइट इट एज पावर नोटेशन, तो क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर होते हैं हमारे या तो ए बाय बी की फॉर्म में होंगे या ए पॉइंट बी की, या कोई भी नंबर हो सकता है जो क्या हो, डेसिमल में, ये क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, लाइक आपको क्वेश्चन आ गया 2/3 की पावर 4, ठीक है, आपको बोला इसको किस में लिखना है, आपको रेशनल में, इट मीन्स ऐसे एज इट इज ए बाय बी की फॉर्म में, बट क्या करना है आपको, ये 4 times है, ठीक है, 4 times होता गया। सबसे पहले मैं आपको बता रही थी 5 की पावर अगर 8 है, इट मीन्स 5 हमारा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 8। अगर बेस की जो पावर है या बेस का जो एक्सपोनेंट है 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, तो जितना नंबर यहां होगा इट मीन से उतने टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है, उतने टाइम्स हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। या तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, आपको इस टाइप से गिवन होगा और आपको बोला होगा इसको या तो पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपको उसको कैसे लिखना है, ऐसे इसको काउंट कर लेना है कितने टाइम्स है और उतनी पावर पर लिख के इसको लिख देना है 5 raised to the power 4। या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस पूरे को मल्टीप्लाई करके एक नंबर दे देंगे, ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, उसको वापस इस फॉर्म में लाना है, देन इस फॉर्म में लाना है, क्लियर। अब जैसे आपका ये आगे क्वेश्चन 2/3, अब आपको उसको बोला है आपको इसको रेशनल नंबर में लिखना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, इसको ओपन कर देना, ओपन इन द सेंस 2 into 2 into 2 into 2 सेम एज 3 into 3 into 3 into 3, जितने ऊपर एक्सपोनेंट्स होंगे उतने ही टाइम्स हमें इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, तो कितना हो गया 81। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, आपको ऑलरेडी रेस टू द पावर समथिंग कुछ भी दिया होगा और आपको बोला जाएगा आप उसको रेशनल नंबर में लिखना है, देन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसकी पावर्स को पावर हटा के आपको उसको जितने टाइम्स आपको दिया है उतने टाइम्स इसको ओपन करके लिखना है, देन इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। या क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप से और आपको बोला जाएगा इसको पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, देन आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने टाइम्स है और उतनी पावर लिख के इसको क्या लिख देना है, 5 raised to the power 8, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है आपको दिया होगा ए बाय बी की पावर अगर एन गिवन है आपको, इट मीन्स क्या होगा, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रेशनल नंबर दिया है एंड समथिंग कुछ भी एक्सपोनेंट दिया है आपका, तो वो
दोनों के साथ है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में वो सिर्फ एक ही बार लिखा है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो सिर्फ इसके साथ है, इट मीन्स ये कि ये दोनों के साथ है, ठीक है। ब्रैकेट लगा के हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो वापस अपना सेपरेट दोनों के साथ आ जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज दिया आपको 3/4 की पावर 6, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 3/4 की पावर 6 इट मीन्स ए बाय बी की पावर एन, ठीक है। 3/4 रेज टू द पावर 6। अब हमें इसे लिखना कैसे है, ये 6 ओनली 3 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 3 की पावर नहीं है, ठीक है। ये जो 6 एक्सपोनेंट है ये 4 का भी है, कैसे, 3/6 / 4/6। अगर हम इसको सेपरेट करके लिखे हैं तो ये दोनों की पावर है। हम इसको एक साथ ब्रैकेट क्लोज करके इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम देखो ब्रैकेट क्लोज करके दोनों को यहां नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उसको एक साथ आपके लॉस के अकॉर्डिंग, आपके जो एक्सपोनेंट्स के लॉस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है। अगर आपके ए बाय बी की जो भी पावर्स है अगर दोनों सेम है, सेम ही होती है, उसको हम क्या करते हैं एक साथ ऊपर लिख देते हैं एक ही बार में, ठीक है। बट जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो वापस से दोनों सेपरेट होके दोनों के साथ एड हो जाती है, ठीक है। एंड आपका कोई क्वेश्चन आता है लाइक 25/36, तो कभी भी आप इनके अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर इन द सेंस आपको ये दिया है और आपको बोला है आपको उसको लिखना है पावर नोटेशन की फॉर्म में, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इट मीन्स आपको उसको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। अब हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25, और 36 के क्या होते हैं, 6 × 6 = 36। अब ऐसे तो 6 के भी फैक्टर होते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, बट हम करते क्या है, जब भी आपको रेशनल नंबर में दिया हो तब हमें करना क्या है, हमें दोनों की पावर्स क्या लानी होती है, सेम, ठीक है, दोनों की पावर्स को सेम लाना है। अगर ऊपर वाले के 2 फैक्टर हैं तो हमें नीचे के भी 2 ही फैक्टर करने होते हैं, अगर ऊपर वाले के 4 फैक्टर्स हो रहे हैं तो हमें नीचे के भी 4 फैक्टर होते हैं करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी भी 2 एंड इसकी भी 2, क्योंकि दोनों 2 टाइम्स है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5/6 / 2। यहां तक क्लियर है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमें ये लॉज अप्लाई कैसे करने हैं, इसे हमें होल नंबर पर अप्लाई नहीं करना है, आपके जो आरएस अग्रवाल है अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसको क्या करना है, रेशनल नंबर पर अप्लाई करना है। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, ए बाय बी, ठीक है, ए बाय बी या पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ है आपका ए बाय बी की पावर एम इंटू ए बाय बी रेस टू की पावर एन। तो सबसे पहले हमारे जो लॉज होंगे वो होंगे जिनका बेस क्या होगा, सेम, और पावर्स क्या होंगे, अलग, ठीक है। फर्स्ट जो होंगे उनके बेस क्या होंगे, सेम। अभी जो मैं आपको लॉज कराऊंगी उन सबके बेस सेम होंगे और जो पावर्स क्या होंगी, अलग। जैसे आप देख लो ये हमारे क्या है, बेस, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, एक्सपोनेंट्स। तो आप देख सकते हो दोनों के बेस क्या है, सेम, ए बाय बी, ए बाय बी, ठीक है, बट दोनों के पावर्स क्या है, अलग, एक की है m एंड नेक्स्ट की है n। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a बाय बी की पावर m प्लस n, कि जब भी आपके बेस क्या होते हैं, सेम, एंड पावर्स क्या होती है, अलग, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लेते हैं और दोनों की पावर्स को क्या कर देते हैं, एड। कैसे, एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, 2/3 / 4 × 2/3 / 2 या 2/3 / 4 एंड 2/3 / 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3 = 2/3 = 6। क्लियर है कि जिसके बेस सेम हो और आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो डिफरेंट हो, एंड सेकंड कि दोनों मल्टीप्लाई में हो, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बेस को एक बार लेते हैं और दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, एड, ठीक है। कंडीशन कि बेस क्या होने चाहिए, सेम, ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ करते हैं, तो ये है आपका सेकंड लॉ, जैसे कि मैंने बताया था बेस सेम, अभी मैं आपको समझा रही हूँ जिसके बेस सेम हो। तो
तो आप देख सकते हो इन दोनों के बेस क्या है सेम और पावर्स क्या है अलग, बट इस बार क्या है यहाँ पे डिवाइड, कि जब भी बेसिस सेम हो और आपके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो और ये डिवाइड में हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लेते हैं उन दोनों को क्या कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को माइनस। बट अगर एम क्या हो आपका एन से बड़ा तभी हमें ये अप्लाई करना है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा, कि आपका एम अगर एन से बड़ा है तभी होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सेम नंबर लेते हैं 2/3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2/3 4 माइनस 2 2/3 2। तो देखो आपको पॉजिटिव आया, जो आपके एक्सपोनेंट आया पॉजिटिव आया। तो जब आपका m n से बड़ा होगा और ये डिवाइड में होगा तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपका m क्या हो छोटा हो n से तो उस केस में अप्लाई नहीं होगा। कैसे, सेम लेते हैं, इस बार हम क्या लेते हैं m को छोटा, किससे n से, ठीक है। सेम 2/3 की पावर अगर हम ले लें 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर ले लें अगर हम 4, ठीक है, ये हो गया m, ये होगा n। m क्या है इस बार n से छोटा है, तो सेम चीज अप्लाई करते हैं 2/3 2 माइनस 4 तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ऑब्वियसली 2 हमारा छोटा है, 2 हमारा और 4 हमारा पीछे की तरफ नेगेटिव है वो उससे बड़ा है, तो माइनस होगा कितना आया आपका माइनस का 2। और आपकी पावर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आपकी जो पावर्स है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, अगर वो नेगेटिव आ रही है इट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं गलत है, तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसीलिए ये वाला लॉ इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये वाला लॉ सिर्फ यहीं अप्लाई होगा जहां आपका एम एम क्या हो एन से ग्रेटर हो, ठीक है, बेसिस सेम हो एम एन से ग्रेटर हो उसी में ये लॉ अप्लाई होगा। अगर आपका एम क्या हो एन से छोटा हो तो उसमें आपको दूसरा लॉ अप्लाई होगा। अगर आपका एम क्या हो एन से छोटा हो तो उस केस में हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, थर्ड वाला लॉ। कैसे, इस केस में हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे a बाय बी की पावर m अपॉन a बाय बी की पावर n। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको नीचे ले आए, नेक्स्ट 1 अपॉन a बाय बी की पावर n माइनस m। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में, जो सिंपल हमने भी कोई लॉ नहीं देखा, हम सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे क्या, अगर हमें दिया जाए 2 डिवाइडेड बाय 3 तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 अपॉन 3, एज इट इज हमने यहां किया इसको ऊपर एंड नेक्स्ट वाले को नीचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसको क्या ले लिया नीचे, 1 ऊपर रह गया, अगर हम इसको नीचे लेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है, कोई भी नंबर अपना प्लेस चेंज करता है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर या इक्वल के इधर से उधर शिफ्ट होता है तो आपके साइंस क्या हो जाते हैं चेंज। तो अभी नीचे आ गया, नीचे आया तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव, अब क्या हो गया एन माइनस एम। अब देखो एन हमें पता है बड़ा है एन से, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, जैसे सेम लेते हैं 2/3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय सॉरी 2/3 की पावर 2। अब हमने क्या किया नेक्स्ट 2/3 की पावर 2 अपॉन 2/3 की पावर सेम हो गया एक से 4। अब नेक्स्ट ऊपर 1/2/3, अब क्या हो गया ये आगे था अभी आगे नीचे क्या हो गया नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 3 की पावर 2 और अब क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है, कि जब भी आपका m n से छोटा हो उसमें हमें ये वाला लॉ अप्लाई करना है। कैसे करना है आप देख सकते हैं, सिंपल सबसे पहले हमें जैसे डिवाइड करना है उस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट अब हम इसको भी नीचे लेके आएंगे, अब नीचे लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव, अभी माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 की पावर 2, क्लियर है। अब नेक्स्ट लॉ करते हैं, अब फर्स्ट जो हमने लॉ किए थे उसमें क्या थे हमारे बेस सेम थे और एक्सपोनेंट्स अलग थे, अब जो नेक्स्ट है उसमें हमारे क्या है एक्सपोनेंट्स सेम है और बेस क्या है अलग। कैसे, a by b की पावर m इंटू b by c की पावर m। अब आप देख सकते हो बेस क्या है दोनों में अलग है, ठीक है, आप यहां कुछ भी ले सकते हो, या तो b by a ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है, बट a by b दोनों में नहीं होगा,
कि आपके दोनों बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या देख सकते हो आप सेम है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेस को दोनों को एक साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, और पावर क्या हो जाती है कॉमन, ठीक है, बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई एंड पावर्स क्या हो जाती है कॉमन। सेम डिवाइड के केस में आपको ए अपॉन बी की पावर एम डिवाइडेड बाय बी अपॉन ए की पावर एम, तो सेम चीज इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, कैसे, ए बाय बी अपॉन बी बाय ए की पावर क्या हो जाएगी एम। कि अगर आपके बेस डिफरेंट हो और आपके एक्सपोनेंट सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं, और डिवाइड है तो दोनों को डिवाइड करके एक्सपोनेंट को क्या ले लेते हैं कॉमन। ये हो गया जब आपके एक्सपोनेंट सेम होते हैं। ये हो गया आपके नेक्स्ट लॉ। अब इसमें क्या है, ए बाय बी की पावर एम ब्रैकेट क्लोज देन पावर एन, इट मीन्स आपको गिवन है पावर टू दी पावर या पावर ऑफ पावर, ठीक है, पावर ऑफ पावर मीन्स आपको पावर की भी पावर गिवन है, ठीक है, आपको एक पावर यहाँ गिवन है देन ब्रैकेट क्लोज एक और पावर गिवन है। इस केस में हम क्या कर देते हैं, उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई, कि अगर आपको आपके रेशनल नंबर या आपके होल नंबर किसी में भी आपको टू पावर्स दिए, एक पावर इधर देन एक ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट एक और पावर, पावर ऑफ पावर, तो उस केस में हम क्या करते हैं दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपके किसी भी होल नंबर की या किसी भी रेशनल नंबर की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन ऑलवेज, ठीक है, किसी भी होल नंबर की पावर जीरो हो, ठीक है, चाहे रेशनल नंबर की क्या हो पावर जीरो हो, ठीक है, तो क्या होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज वन, राइट, इनकी पावर अगर इसकी पावर जीरो है, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये सब रिमूव हो जाएगा डायरेक्टली, क्या लिखोगे वन, सपोज आपको दिया है फोर बाय फाइव की पावर जीरो, तो अब इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे डायरेक्टली वन, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए बाय बी की पावर माइनस वन, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपके पावर से एक्सपोनेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये ऑलवेज क्या होते हैं पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो इसको हम पॉजिटिव कैसे करते हैं, आप इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है उल्टा, ठीक है, जैसे कि आपको दिया है फाइव बाय सेवन की पावर माइनस वन, अब आपको क्लियर पता है कि नेगेटिव में आपके नेगेटिव में पावर से एक्सपोनेंट्स नहीं होते, तो हम क्या करते हैं इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इट मीन्स सेवन बाय फाइव, अब वन है पावर, वन पावर शो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये आपको दिया होता है यहाँ टू, तो ये क्या हो जाता पॉजिटिव का टू, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी होल नंबर की किसी भी रेशनल नंबर की पावर नेगेटिव दी है तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है पॉजिटिव। ये तो थे आपके एक्सपोनेंट्स के लॉ। अब नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखना या शॉर्ट फॉर्म में लिखना, कोई भी आपको काफी सारे डिजिट का नंबर दिया है और आपको उसको छोटा करके लिखना है या शॉर्ट में लिखना है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपको दिया हो 11, ठीक है, अब आपको उसको बोला है आपको किसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये आएगा, ठीक है, इसको भी स्टेप से लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट 11 इंटू, अब कितने जीरो से 5 से 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 लाख है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, इट मीन्स कितनी पावर होगी इसकी 5, 10^5, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। 11 का आप कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है यहाँ तक। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना,
आपको सबसे पहले जीरोज अलग करने हैं, चाहे वो थ्री जीरोज ही क्यों ना हो। ठीक है, आपका या तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आ जाएगा ऐसे 572 1 2 3 4 5, इतना बड़ा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा आ सकता है ऐसे। अब आपको बोला है इसको किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसके जीरो को अलग करेंगे, कैसे, 572 × 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10 lakh। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 572 × 10 की पावर 6। आपको लग रहा है यहाँ पे एंड हो गया, बट नहीं, 572 तो बड़ा डिजिट है, ठीक है, सॉरी बड़ा नंबर है। अब हमें इसको क्या लिखना है, शॉर्ट में, इसको भी शॉर्ट करना है, इट मीन इसको सिंगल नंबर के फॉर्म में लाना है। सिंगल नंबर के फॉर्म में मतलब ये नहीं कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, नहीं, इसको करने का एक मेथड है, उस टाइप से करेंगे। कैसे, हमने लास्ट डेसिमल वाला चैप्टर डिस्कस किया था, ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर 36/10 है या 39/10 है, ठीक है, 10 इट मीन्स 1 प्लेस पर डेसिमल लगा दिया, ठीक है, वहीं 3.9 है। अब हमें बोला है कि इसका डेसिमल हटाना है, ठीक है, विदाउट रेशमल, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 390, कितने प्लेस पर डेसिमल था, 1 पे, तो डेसिमल रिमूव हो गया रिमूव। वहीं सेम आपका 572 है, ठीक है, हम इसको सिंगल नंबर में ला रहे हैं, सिंगल में कैसे लाएंगे, अब यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ डेसिमल होगा, किसी नंबर के लास्ट में कुछ नहीं होता तो डेसिमल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंगल नंबर में लाना है, इसमें इट मीन्स हमें यहाँ डेसिमल चाहिए, अगर यहाँ डेसिमल आ गया इट मीन्स 5.72 हो जाएगा, 5.72 मीन्स ये सिंगल डिजिट में आ गया, पॉइंट के बाद के नंबर तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो 1 के इक्वल भी नहीं होते, पॉइंट के जो बाद के नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम कब कर सकते हैं, जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 100, कैसे, देखो 572 00 कितने प्लेस पर डेसिमल है, 2 पे, वापस वही आ गया, क्लियर है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5.72 × 100 × 1 2 3 4 5 6, इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 5.72 × 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है, 5.72 × 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हो जाएगा 10 की पावर 8, अभी हो गया स्मॉल में, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी टाइप से क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की इंट्रोडक्शन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।